शेयर करने वाली हूँ राजस्थान की ऑथेंटिक डिश। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी चूरमा। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 कप आटा, गेहूं का आटा जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप, 2 कटोरी या आपके पास जो भी मेजरमेंट है उसी के हिसाब से आप सेम ले लें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। घी हम यहाँ पर ऐड करते हैं इसे बहुत ही सॉफ्ट बनाने के लिए। ये देखिए 2 से 3 टेबलस्पून मैंने घी इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर रिफाइन ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूथेंगे। इसका हमें बहुत ही सख्त डो बनाना है, पूरी से भी सख्त। ये देखिए, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसे गूथें, एक साथ इसमें पानी ऐड नहीं करें। इस तरह से इसे गूथें। इसकी हमें मुठिया बनानी है, इसका मतलब होता है कि इसको हमें इस तरह से गूथते हुए, जब ये इस तरह से मुट्ठी में बंधने लग जाए तो समझिए ये रेडी हो गया है। तो अभी इसमें थोड़ा सा वाटर का यूज हम और करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा आटा लेकर के इसे इस तरह से हाथों की सहायता से ऐसे दबाएंगे। ये देखिए, इसे हम मुट्ठी में ऐसे दबाते हैं, इसलिए इसे मुठिया वाला चूरमा भी कहते हैं। तो सभी को हम इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से करते हुए। हमारी मुठिया जो है वो बनकर रेडी हो गई है। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में घी को गरम कर लिया है। घी ऑलमोस्ट गरम हो चुका है, यहाँ मैं घी का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को आप मीडियम लो ही रखिए, क्योंकि हमें इसे मीडियम में ही फ्राई करना है। अगर आप हाई में फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे बट अंदर से पूरे कच्चे रहेंगे। तो इन्हें अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं और फिर हम इन्हें पलट देंगे। 2 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम इनके साइड्स को चेंज कर लेते हैं जिससे ये पीछे से भी अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए, अब हमारे जो मुठिया है वो पक चुके हैं। देखिए दोनों तरफ से गोल्डन हो गए हैं, इन्हें ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। तो अब इन्हें मैं ऑयल से बाहर निकाल लेती हूँ और सेम प्रोसेस से जो बाकी के बचे हुए उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, सारी मुठिया को मैंने फ्राई कर लिया है। कुछ को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है और ये जो बाकी है इन्हें भी हम इस तरह से तोड़ लेंगे। ये अभी गर्म है और सबको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इन्हें पीस लेंगे। यहाँ पे ये ठंडे हो गए हैं और अब हम इन्हें पूरा बारीक पीस लेंगे। मैंने इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है, ये देखिए। और अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। चूरमा में हमें जितना हमने 2 कटोरी ये वाली हमने आटा की ली थी, तो हम 1 कटोरी चीनी की लेंगे। आप जिस भी कटोरी, बाउल या कप, जिसका भी मेजरमेंट ले रहे हो, जितना आप आटा लोगे उसका हाफ आपको चीनी लेना है। तो चलिए अब इसे भी हम बारीक पीस लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा चूरमा भी साथ में ऐड कर देंगे, जिससे हमारी चीनी है जो बहुत ही अच्छी तरह से पीस जाएगी। इसे भी हम पूरा बारीक पीस लेते हैं। यहाँ हमारी शुगर भी अच्छी तरह से बारीक पीस गई है, ये देखिए। अब हम इसे अपने चूरमे में मिला देंगे अच्छी तरह से। इसे पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लें स्पून से। अगर स्पून से अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो तो आप अपने हाथों का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। यहाँ ऑलमोस्ट हमारा चूरमा बनकर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो चलिए इसे और थोड़ा टेस्टी बनाते हैं। चूरमा को और भी टेस्टी बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन, उसमें डाला है 2 से 3 चम्मच घी। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना घी का यूज कर रही है। जी हाँ, ये बन रही है राजस्थानी डिश। तो राजस्थानी लोगों को घी बहुत ही पसंद होता है, इवन मैं भी राजस्थानी हूँ। तो चूरमा अगर बनेगा उसमें बहुत ज्यादा ही घी का यूज होता है, तभी इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आता है।
अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, आप डाइट वैसे ही खा सकते हैं। बट मैं इसे और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो पहले घी को गर्म कर लेते हैं। यहाँ घी गर्म हो गया है, मैं इसमें यूज कर रही थोड़े से गोंद का, ये देखिए, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये जब मैं घी में डालूंगी तो ये बिल्कुल कॉर्न के जैसे फूल जाएंगे, ये देखिए। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाते हैं, ये भी एक ड्राई फ्रूट्स ही होते हैं। देखा ना, मैंने थोड़ा सा डाला था, कितना फूल गया है। और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें मैंने लिए हैं थोड़े से कैश्यू नट्स और थोड़े से आलमंड्स, इन्हें बहुत ही बारीक कट कर लिया है। इन्हें भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने हल्का सा शैलो फ्राई कर लिया है। और अब जो चूरमा है मैं उसमें मिला दूंगी। तो यहाँ पे मैं आधा ही चूरमा मिलाऊंगी, क्योंकि किसी को ड्राई फ्रूट्स पसंद होता है और कुछ को नहीं पसंद है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आधा ही ऐड करेंगे। आप चाहे तो पूरा भी ऐड कर सकते हैं, ये देखिए। और साथ ही में जो गोंद है उसे भी डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चूरमा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, देखिए ये कितना लाजवाब लग रहा है। ये दिखने में जैसा लाजवाब है, ये खाने में तो और भी टेस्टी लगता है। तो चलिए अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे निकाल देते हैं एक बाउल में। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी राजस्थान का ऑथेंटिक चूरमा बनकर रेडी हो गया है। इसे मैंने दाल के साथ सर्व किया है। राजस्थान में इसे दाल और चूरमा साथ मिला के खाते हैं। इसे आप खीर के साथ भी खा सकते हैं। दाल की रेसिपी मैंने अभी पोस्ट नहीं की है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में श्योर पोस्ट करने वाली हूँ। तो इसका आप आनंद लीजिए, ये बहुत टेस्टी लगता है। इसे हम नवरात्रि में भी बनाते हैं और किसी भी पूजा में आप बना सकते हैं, क्योंकि ये विदाउट गार्लिक और ऑनियन के बनता है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, इसके लिए आप मुझे भर भर के लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही करें। तब तक मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए